the Yidumisme society, which is in very less, competing the other tribes and in education level, showing their talent, and through the research they have achieved the course of PhD in RGU, and that is not easy. So today program is not only our felicitation. Today program, it will be based upon the experience and the knowledge and the proposal for the research, how you have to do research and related knowledge. Every student have not that much of idea how to do a research and what to study in PhD. So jitne hain scholars aaya hai, un log apna ye vichar ko bhi aapke paas samne rakhega. Isiliye aaj subah jo Teju ka jo students hai, high secondary ka jo aali aapya log hai, wo log ka hum yahan bulaya hai. Felicitate karna hum Itanagar mein kar sakta tha, par नाता ने बोला है, नाता जी को ने बोला है कि यहाँ में करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होगा एंड देल गेट टू नो. यहाँ मैक्सिमम स्टडिंग इन कॉलेज, आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि रिसर्च कैसे किया जाता है एंड इसका प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसको कैसा वे में जाना पड़ता है. पीएचडी करना मतलब पीएचडी करना एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है. मतलब पीएचडी बेसिकली क्यों करते हैं उसके बारे में कुछ आप लोगों को थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे को कुछ आइडिया नहीं होगा पीएचडी क्या है और कब करते हैं पीएचडी ना, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा. वैसे मैं भी न्यू कॉमन हूँ ये फील्ड में,
रिसेंटली मिला है तो मेरे सीनियर लोग अभय इंदा है, अभय विकास है, उन्होंने एमसी भी किया है। तो मैं तो बस रिसेंटली आया हूँ, तो इतना टेक्निकली तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर अपना एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा। तो मैं भी नॉर्मल इतना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मगर ऐसे गेम्स वेम्स खेल के बैठा था, ऑनलाइन गेम्स भी वो बहुत खेलता हूँ मैं, मोबाइल लेजेंड हो गया, पबजी हो गया और जो भी है सब खेलता हूँ मैं। उसके बाद पढ़ाई में भी थोड़ा एवरेज ही हूँ, पर मैंने एक टाइम निकाल के पढ़ाई को अच्छे से किया। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लाइफ में जितना भी हो इंजॉय कीजिए, मगर एक टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपका हार्ड वर्किंग ही आपको आगे ले जा सकता है। तो मेरे ऐसा लड़का एक पीएचडी कर रहा है यहाँ पे, तो आप लोग तो मुझसे बेटर ही हो, तो होप करता हूँ आप लोग भी आगे जाके पीएचडी करें। और पीएचडी इसलिए करते हैं, आप किसी किसी का ड्रीम होता होगा यहाँ पे असिस्टेंट लेक्चरर के लिए, तो उसके लिए पीएचडी करना एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है, तो पीएचडी करना बहुत जरूरी है। तो पीएचडी करने के लिए आपको मास्टर करना जरूरी है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैचलर करने के बाद आप मास्टर करने जरूर जाइए। और हमारे स्टेट में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो वहां पे बहुत सारा कोर्सेस है, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिए, वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। आप वहां में पढ़ाई के साथ में और बहुत कुछ अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं। तो मास्टर करने के बाद में एक एंट्रेंस होता है, उसमें उसको क्लियर करना पड़ता है। तो एंट्रेंस में इस प्रकार का होता है, एग्जामिनेट और नॉन एग्जामिनेट होता है। तो जिसने नेट क्लियर किया, नेट एक एग्जामिनेशन का नाम है नेट, उसको क्लियर करना पड़ता है। और जिसने पहले एमफिल कर लिया तो वो लोग डायरेक्ट वायरमैन जा सकते हैं। मतलब आपको चॉइस मिलता है ना, क्या का ऊपर काम करने वाले हैं, क्या ऐसा काम करने वाले हैं, ऐसे टाइप से होते हैं। तो अभी हम लोग जो होते हैं, मतलब अभी हम साइंस फील्ड कर रहे हैं, तो साइंस फील्ड हम लोग काम अलग होते हैं, ह्यूमैनिटीज का अलग होते हैं। ह्यूमैनिटीज में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एग्जांपल मतलब आप लोग सोसाइटी में मतलब पीएचडी में आप लोग बेसिकली रिसर्च करते हैं, आप लोग कुछ नया नहीं पढ़ते, आप लोग कुछ पढ़ता नहीं है, जैसे कि मास्टर्स हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कॉलेज हो गया, और जो मैट्रिक्स लेवल का जो क्लासेस होते हैं उसमें आप लोग जो नॉलेज ऑलरेडी लिटरेचर में है उसको आप लोग पढ़ता है ना पीएचडी में, लेकिन आप लोग कुछ वो सब पढ़ता नहीं, आपको कुछ खुद से कुछ नया नॉलेज ला के आप लोग सोसाइटी को देता है। मतलब पीएचडी में बेसिकली आप लोग आपका काम होता है कि आप अपना हार्ड वर्क का थ्रू या आप अपना सर्वे का थ्रू कुछ नया नॉलेज आप लोग लेके सोसाइटी को देता है। पीएचडी में बेसिकली हम लोग वही करते हैं, आप अपना दिमाग लगा के आपको कुछ नया नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशन हो सकता है या डिस्कवरी हो सकता है या कुछ नया नॉलेज हो सकता है ना, तो वो आप लोग बेसिकली अपना तरफ से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आने हुए कि स्पोर्ट्स में भी ये करियर हो सकते हैं कि हम इसमें भी हम अपना टीचिंग लाइफ को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, लाइक खेल सकते हैं आपको बट इसमें टीचिंग लाइफ का कुछ लाइक इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा लगता है, यहाँ पे कोई पढ़ाई वराई नहीं होता, बस खेल कूद होता है ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं, इसमें जस्ट लाइक आप भी मैं पीएचडी रह गया हूँ, सो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा सबको लगता है कि ऐसा नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लोगों कि स्पोर्ट्स में भी हम अपना करियर बना सकते हैं, लाइक प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर आप लोग इसको अच्छे से अगर आप लोग इससे आगे चलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो जैसे हम अपनी पीएचडी कर रहे हैं स्पोर्ट्स में ना, स्पोर्ट्स टाइम पे मैं यही कर रहा हूँ, तो ये है लाइक पीएचडी कर सकते हैं अपने जो स्पोर्ट्स है उसमें, लाइक फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेशन मोस्ट ज्यादा नहीं जानते होंगे इसको बोलते हैं ना फिजिकल एजुकेशन, पहले आपको बीबीएड करना पड़ता है टीचर, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री एंड देन पीएचडी, तो ये सब कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स लाइन पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो हमको पता है कि आप लोग का सिचुएशन ऐसा, जो आप लोग जो ये टाइम में है अभी, ये टाइम में हम सब ब्लैंक स्लेट होते हैं, ठीक है। हम लोग कभी
कुछ करते हैं जो यू नो लाइक फायर ब्रिगेड अप्रोच, जब आग लगे तब हम लोग कुछ करते हैं। रिगार्डिंग रिसर्च, अभी हम अपना एक्सपीरियंस से थोड़ा कुछ बोलना चाहिए। रिसर्च है क्या ना, कोई बोलता है ये एक्सप्लोरेटिव है, कोई बोलता है ये रिसर्च है, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ना अभी री एंड सर्च। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे, आपको रिसर्च करने के लिए आपको एक कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपको पहले तो एंट्रेंस क्लियर करके जाना होता है, या फिर पहले जो एमफिल होता था अभी एमफिल बंद हो गया। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो एमफिल होता था वो प्रोग्राम तो बंद हो चुका है। तो आपको अभी करना क्या है, अभी आपका एक ही वे टू वे रिसर्च करने के लिए पीएचडी यूज़ करने के लिए, फर्स्ट आपको नेट क्लियर करना है, ठीक है, जो एवा भाई बोला है नेट जो मस्ट है। लेकिन अगर आपके साथ नेट नहीं है तो आपको एंट्रेंस को क्लियर करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिगार्डिंग एस स्टूडेंट्स है, रिसर्च रिसर्च छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या मालूम, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिटरेचर को एक्सेस करना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कुछ कुछ भी होने वाला नहीं। हमको पता है हम लोग सब सब लोग हम्बल बैकग्राउंड से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गरीब है तो हम नहीं कर पाए। आप ऑनेस्ट, आप जो भी करो सिंसियरली करो, ऑनेस्ट भी करो, बाकी सब कुछ धीरे धीरे आ जा रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पीएससी का जो क्वालिफाइड करने वाला लोग ये फेलिसिटेशन के लिए हम लोग मुझे भी बुलाया, उसमें हम इस प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यही बच्चा कल का हम लोग का भविष्य है। ईदू मिशनी के लिए उन लोग की हम लोग का भविष्य है, उन लोग को आगे बढ़ाना हम लोग का ड्यूटी बनता है। अच्छा से ये लोग को गाइड देना हम लोग का सीनियर्स लोग का हम लोग का ड्यूटी बनता है। थैंक यू, वेरी थैंक यू फॉर आंसू ये प्रोग्राम रखने के लिए। ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था क्योंकि पीएचडी के बारे में स्टूडेंट्स लोग को इतना आइडिया नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म में हम लोग को हमारे भाई बहन लोग को एक आइडिया देने का एक अवसर मिला है। वी आर वेरी थैंकफुल एंड हम चाहते हैं कि हर साल ये प्रोग्राम करें ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया मिले। आप सभी को आज हमारे ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन ने, हमारे जितने भी इदू मिशमी स्कॉलर्स है जो पीएचडी कर रहे हैं उनको फेलिसिट किया है। तो मैं इदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन को तह दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम आने वाले भविष्य में भी करते रहना है, क्योंकि ये एक माध्यम है जिससे हमारे आने वाले जेनरेशन जो है भविष्य के जो स्टूडेंट्स है उनको बहुत सारा एक लाभ मिलता है और उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। इसलिए आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही सफल रहा है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को आगे भविष्य में किस दिशा में पढ़ाई करना है और किस दिशा में खुद को ले जाना है उनके बारे में भी हमारे स्कॉलर्स ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो मैं फिर से यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद। मेरा दोस्त, हम दोनों ने मिलके और एक प्लान किया था कि हम लोग पीएचडी स्कॉलर को फेलिसिट करेगा जो जो 2021 में पीएचडी परस्यू करने का मौका मिला है आरजीयू में। और हम लोग का ये जो फेलिसिट जो करने का प्रोग्राम था, इसका मेन मोटो यही था कि जैसा कि आप लोग पता है कि आईएमसीयू इज अ स्टूडेंट बॉडी, तो हम लोग ने स्कॉलर्स लोग को ईटानगर से लाया, फेलिसिट किया एंड साथ साथ हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा। और हम लोग का मेन एम था कि वो इंटरेक्शन प्रोग्राम ही कि थ्रू दैट इंटरेक्शन प्रोग्राम द मास्टर स्टूडेंट द कॉलेज स्टूडेंट दे विल गेट आइडिया अबाउट द रिसर्च, कि रिसर्च कैसे किया जाता है एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च ना। एंड दिस टाइम टू ऑल द इदू मिशमी सोसाइटी आई वॉन्ट टू से दैट हम लोग का 6 भाई बहन और भैया लोग को मिला है पीएचडी परस्यू करने का मौका आरजीयू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो कि इन्हें कह रहा है ना, ये बहुत बड़ा बात है। ऐसे हम लोग का जो कम्युनिटी पीपल है ना बहुत कम है, तो ये चीज़ बहुत मतलब कम पॉपुलेशन में भी इतना लेवल में वो करना बहुत अच्छा बात है। तो
तो भले ही ये प्रोग्राम के बारे में हर किसी को नहीं बोल पाया, इसके लिए हम बहुत हमदुल माफ़ी चाहते हैं दिल से। लेकिन अगर जब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जब सब पीएचडी जो स्कॉलर हो जाएगा, जब फाइनली सब पीएचडी करके निकलेगा, तब भी एक फेलोशिप प्रोग्राम रखेगा एंड तब हम लोग बहुत अच्छे से करने के लिए करेगा। थैंक यू।